दोस्तों लॉन्चिंग से पहले एक बार फिर टाटा एच के प्रोडक्शन रेडी मॉडल को स्पाइड किया गया है और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स तो दावा कर रही है कि गाड़ी का ऑफिशियली डेब्यू नेक्स्ट मंथ होने वाला है और गाड़ी की लॉन्चिंग कब होगी उसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं एच का पर्सनली एक लंबे टाइम से वेट कर रहा हूँ और आप में से कौन कौन मेरे भाई इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों जैसे कि बच्चा बच्चा जानता है कि टाटा मोटर्स लंबे टाइम से डोमेस्टिक मार्केट में एचवीएस कंसेप्ट बेस्ड माइक्रो एसयूवी की टेस्टिंग कर रहा है और जिसको वह इस साल फेस्टिवल सीजन से पहले डेफिनेटली लॉन्च कर देगा। एचवीएस कंसेप्ट मॉडल 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस की गई थी और यह पिछले साल जिनेवा मोटर शो में डिस्प्लेड H2X कंसेप्ट का नियर प्रोडक्शन वर्जन था। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास टाटा एचवीएस की कुछ लेटेस्ट स्पाई पिक्चर्स आई है और दोस्तों गाड़ी का नामकरण हॉर्निबल किया जा सकता है। गाड़ी को नेक्सॉन के नीचे बिठाया जाएगा और गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 4.5 to 7 लाख तक होने वाला है। गाड़ी मार्केट में लॉन्च होने के बाद अपने सेगमेंट की सभी कारों का खेल खत्म कर सकती है लाइक मारुति सुजुकी इग्निस महिंद्रा केईवी एनएक्सटी। दोस्तों टाटा एचवीएक्स ब्रांड के लेटेस्ट इंपैक्ट डिजाइन फिलोसफी को फॉलो करेगी और यह सेकंड मॉडल होगा जिसको अल्फा आर्किटेक्चर पर बेस्ड रखा जाएगा और दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि एचवीएक्स क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग की हाई स्टैंडर्ड्स के साथ देश में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल पैसेंजर कार बनने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों ऑन द आउटसाइड माइक्रो एसयूवी में एक स्प्लिट हेडलैम्प क्लस्टर विद सिग्नेचर ह्यूमिडिटी लाइन वाई शेप्ड ब्लैक रेडिएटर ग्रिल इंसर्ट्स चामसेल शेप्ड बोनट स्ट्रक्चर स्क्वेयर्ड ऑफ व्हील आर्चीज रेक्ड फ्रंट विंडशील्ड राउंड शेप्ड फोग लैंप्स टॉल पिलर जो है कन्फर्म करती है गाड़ी के इंटीरियर में भी हमें अच्छा खासा स्पेस दिया जाएगा एंड पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स लगाए गए हैं गाड़ी में। इसके अलावा हम टेस्टेड प्रोटोटाइप मॉडल में अपोलो रबर पर सवारी करते हुए प्रोडक्शन स्पेक्स ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स भी देख सकते हैं। गाड़ी के पीछे की साइड रैप अराउंड एलईडी टेल लैंप्स और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स मिलने वाले हैं। गाड़ी के इंटीरियर में हमें टॉप मॉडल के अंदर एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑफर करने वाली है कंपनी जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कैपेबिलिटी को सपोर्ट करेगा जो हमें एल्ट्रोज में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों क्योंकि गाड़ी के कैबिन को टियागो और अल्ट्रोज के कैबिन के मिश्रण से ही बनाया गया है परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का यूज किया जाएगा जो कि मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ लगा होगा। इसके लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद यही सेम इंजन टर्बो वर्जन के साथ भी ऑफर करने वाली है कंपनी। और दोस्तों टाटा एचवीएक्स के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डिटेल में बना रखी है, आप उनको भी देख सकते हो। अगर आपका अब भी कोई भी सवाल टाटा एचवीएक्स से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।